झारखंड में खनिजों के उत्खनन और ढुलाई के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दकी ने सरकार के कामकाज का विस्तार से ब्यौरा दिया है। सिद्दकी ने बताया कि खनिज विकास निगम तेलंगाना की तर्ज पर सैंड टैक्सी पोर्टल को मार्च 2024 तक लागू करेगी। इस पोर्टल के जरिए पंजीकृत गाड़ियों के मालिकों और उपभोक्ताओं को बालू मुहैया कराया जाएगा। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। वहीं सिद्दकी ने बताया कि 200 खदानों के लिए टेंडर भी दे दिया गया है। का पॉलिसी बना, उस पॉलिसी के तहत जेएसएमडीसी को ये चलाने का जिम्मा दिया गया। तो जेएसएमडीसी पहले टेंडर निकाल सफल नहीं हो पा रहा था, बहुत लो रेट वाला इश्यू आ रहा था, लोग एक रुपये से नीचे का भी दाम कोट करना शुरू किया। तो अभी उसी में हम लोग काफ़ी मंथन करके एडिशनल सिक्योरिटी असर पेनल्टी उससे वसूलने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हम लोग देख रहे काफ़ी सुधार आया है। अभी कितना हो गया सर? 216 में सफलता होकर हम लोग LOI दे चुका है। मैं पहले पिछले आप एक महीने पहले देखेगा तो एक भी नहीं हो रहा था, केवल 10-12 हो रहा था। अभी 216 में टेंडर सक्सेस हुआ, हम लोग LOI उनको दे चुका है। अभी उनको जो एनवायरमेंट क्लियरेंस या FC क्लियरेंस जो भी क्लियरेंसेस लेना है वो लेके आने पर माइनिंग शुरू कर सकते हैं। झारखंड में पहली बार स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी के मुताबिक कुल 351 बालू घाटों की नीलामी की जाएगी। सिद्दकी ने बताया कि DMFT फंड में कुल 11,960 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इनमें से 5,978 करोड़ रुपए विकास योजनाओं पर खर्च किया गया है। उसमें 17-18 से फिगर हम लोग दिया है। 17-18 में हमारा रेवेन्यू कलेक्शन था 5,743 में, तो 5,743 का वो अभी हम लोग पिछले साल का देखेगा तो 9,798 पहुँच गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल किया गया। इस बार हमारा जो उम्मीद है हम लोग 12,000 तक पक्का पहुँचने का उम्मीद है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज़्यादा पैसा भी आता है। तो अभी हम लोग 7,000 पहुँच गया है, तो अनदर 5,000 भी हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। तो एनीवे 11-12 के बीच में हम लोग रेवेन्यू पहुंचने का संभावना है। लेकिन झारखंड का जो चीज़ें देखेगा तो और पोटेंशियल है। अभी जितना कोल ब्लॉक ऑप्शन हुआ है, जितना नया अभी आयरन ओर में आप देख ही रहेंगे, अधिकतर माइनिंग अभी बंद है। अदर दैन पब्लिक सेक्टर जो सेल का छोड़कर बाकी प्राइवेट आयरन ओर अधिकतर बंद है। वो सब दोबारा ऑप्शन का भी कार्रवाई चल रहा है, उसका भी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। वो सब होने पर हमारा अभी रेवेन्यू हमको लगता है अभी जो है उसका भी डबल जाने का। झारखंड सरकार को खदानों से बड़े पैमाने पर रेवेन्यू हासिल होता है। अगर सरकार इस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेगी तो रेवेन्यू की मात्रा और बढ़ सकती है। बढ़े हुए रेवेन्यू से सरकार गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए योजना बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।